दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। 90 सीटों के लिए आगामी 7 और 17 नवंबर को होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की पहली सूची शारदीय नवरात्र के पहले दिन यानी रविवार 15 अक्टूबर को जारी कर दिया है। इस सूची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 13 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष शामिल हैं, जबकि एक पूर्व मंत्री समेत 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में उसके 19 प्रत्याशी तो घोषित कर दिए गए हैं। सिर्फ जगदलपुर सीट से प्रत्याशी का ऐलान इस सूची में नहीं किया गया है। जल्दी ही इसकी घोषणा की जाएगी। इस सूची के मुताबिक जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनमें पंडरिया से ममता चंद्राकर, खुज्जी से छन्नी साहू, चित्रकोट से राजमन बेंजाम, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, अंतागढ़ से अनूप नाग, डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, नवागढ़ से गुरुदयाल बंजारे, कांकेर से शिशुपाल सोरी का नाम शामिल है। राजमन बेंजाम की जगह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज चुनाव लड़ेंगे। कर्मा परिवार से देवती कर्मा की जगह अब उनके बेटे छविंद्र कर्मा को मौका दिया गया है। गुरु रुद्र कुमार आरंग और अहिवारा से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार उन्हें नवागढ़ से टिकट दिया गया है। वहीं दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, डोंगर गांव से दलेश्वर साहू, खुज्जी से भोला राम साहू को मौका दिया गया है। पिछली बार भोला राम साहू का टिकट काटकर छन्नी साहू को दिया गया था। इस बार छन्नी साहू की जगह भोला राम साहू को टिकट मिला है। 2018 में खैरागढ़ सीट से JCCJ उम्मीदवार देवव्रत भगत जीते थे। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद पार्टी ने फिर से यशोदा वर्मा पर भरोसा जताया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही पहले चरण के 1 सीट जगदलपुर और बाकी दूसरे चरण की 70 सीटों के बाकी बचे 50 उम्मीदवारों की सूची भी जल्दी ही जारी की जाएगी। प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।